प्यारी बहनों और फूलों की तरह महकते हुए प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यानी तबस्सुम अपनी तरफ से और सबसे बढ़कर सहयोग फाउंडेशन की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भाई और बहनों, जिंदगी में हर इंसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि जब वो पैदा होता है तो जाहिर है ह्यूमन नेचर है कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन अमर हो जाती हैं वो घड़ियां, वो लम्हात जब इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत सी चैरिटी करने वाली संस्थाएं हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे सहयोग फाउंडेशन का संबंध है, ये चौमुखी चैरिटी कर रहा है। चौमुखी चैरिटी मैं इसलिए कह रही हूँ कि सहयोग फाउंडेशन ने सबसे ज़्यादा जो चैरिटी की है वो एजुकेशन के लिए की है। तालीम यानी एजुकेशन हर इंसान की कामयाबी पे पहुँचने की सबसे बड़ी शाहराह है, सबसे बड़ा हाईवे है। साथ ही साथ हमारे सहयोग फाउंडेशन ने इसके अलावा बीमारियों को दूर भगाने के लिए जितनी मदद दवाइयों की है, मेडिसिंस की है लोगों को, शायद ही किसी ने की हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सहयोग की तरफ से उन बेचारी नारियों को जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके सर पे बाप भाई या पति का साया ना है, उनके लिए बहुत सारी सिलाई की मशीनें इन्होंने डोनेशन में दी हैं। और आज का ये प्रोग्राम तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि किस लिए किया जा रहा है। ये ड्रग के जो पंजे में नौजवान घिरे जा रहे हैं, जीते जी आगे मरे जा रहे हैं और इस ड्रग का शिकार हो गए। अकल, मेरा ख्याल है अकल एक ऐसी चीज़ है कि अगर महंगी से महंगी कहीं भी मिलती होती तो लोग जाके अपनी जमा जथा कमाई दे के अकल खरीदते। लेकिन अफसोस कि ड्रग का शिकार होके हमारी नौजवान पीढ़ियाँ अपनी अकल को गटर की गंदी नाली में बहा रही हैं। बस इसी जद्दोजहद से लड़ने के लिए आज का ये प्रोग्राम हमारे सहयोग फाउंडेशन की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमारे मिनिस्टर्स बहुत सारे आए हुए हैं और हमारी फिल्म जगत के वो चमकते हुए सितारे जिनकी चमक देखने के लिए लोग बेचैन हैं, वो भी सहयोग को पूरा सहयोग दे रहे हैं इतने काम के लिए। इससे पहले कि हम आज का ये प्रोग्राम शुरू करें, मैं चाहूँगी कि हम और आप सबसे ज़्यादा ज़ोर से तालियां बजाएं उस हस्ती और पर्सनैलिटी के लिए जिसकी झलक देखने के लिए लोग बेचैन हैं। वैसे इसकी झलक हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं लेकिन सालों ने बिल्कुल इन पर असर नहीं किया, इसलिए कि आज तक इन्होंने कोई ड्रग नहीं ली, बल्कि पीते हैं तो सिर्फ दूध और मलाई और मक्खन, और वो हैं धर्मेंद्र जी। ज़रा ज़ोर से तालियां बजाएं। यहाँ आ चुके हैं। साथ ही साथ मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ शहर बॉम्बे से विनती करूंगी श्री नाना चुदासामा से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। जोरदार तालियां भाई और बहन, नाना साहब आ गए हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनकी मुस्कुराहट हजार मुरझाए हुए दिलों में हिम्मत का जज्बा जगा देती है। साथ ही साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक जबरदस्त सुकून, बहुत ही प्यारे इंसान, इतने अच्छे प्रोड्यूसर कि उनसे सारी इंडस्ट्री खुश है, वारी वारी जाती है, प्यार करती है, श्री पहलाज निहलानी साहब। जोरदार तालियां बजाएं पहलाज जी के लिए। और अब मैं डीसीपी श्री राव सुर साहब से विनती करूंगी कि वो भी स्टेज पे आ जाएं। बंगाली साहिबा से विनती करूंगी जो हमारी बॉम्बे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, वो स्टेज पे आ गए। राम जहारानी एक ऐसी हस्ती है जिसने न सिर्फ आज बल्कि हर जगह हर चैरिटी के शो में अपना एक प्रथम स्थान रखा है, एक मकाम बनाया हुआ है। मैं चाहूंगी इनके लिए जोर से तालियां बजाएं, राम जहारानी। साथ ही साथ धर्म जी यहाँ मौजूद हैं। धर्म जी,
हमारी इंडस्ट्री के सीनियर तरीन हीरोज में से एक हैं और अब आज नौजवान लड़कियों के दिल को गुदगुदाने वाला हॉट फेवरेट यंग हीरो चंकी पांडे। भाइयों बहनों, जब तक सिर्फ अच्छे लोग हों बुराई का अंदाजा तो हो ही नहीं पाता, इसलिए अच्छाई को उभारने के लिए जरूरी है कि थोड़े से बुरे नमूने भी पेश करें। लेकिन एक बात बता दूं, बजाय जिनको मैं बुरा नमूना कह रही हूँ ये तो उनकी परछाई बुरी लगती है जिस किस्म के रोल वो फिल्मों में करते हैं, लेकिन जाती जिंदगी में हर जेंटलमैन है वो दो नौजवान जो अब आपके सामने आ रहे हैं, अजीत बच्चानी और मैं मोहन। नए काम की शुरुआत किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद से अगर हम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे पहले कि मैं भूपन जी से विनती करूं कि वो आए और यहाँ पर एक ऐसी जोत जलाएं जिसकी चमक और रोशनी में रंग के अंधेरे में बहने वाले नौजवान सदा के लिए महफूज हो जाए, बच जाए। और वो इंसान मुझे नजर आ रहा है जिसे महाभारत में आप द्रोणाचार्य के रोल में देख चुके हैं, श्री सुरेंद्र पाल। और मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ अपने मौजूद मेहमानों से विनती करूंगी कि भरम जी आगे की तरफ चलें और अपने हाथों से वो जोर जलाएं जिससे दूर दूर तक दवाइयों का नशा भागता रहे और कभी मुड़ के नौजवानों की तरफ ना देखे। इन्होंने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि इस जोत को आप अगर जलाइए, मुझे खुशी हुई कि एक नए काम के लिए इसमें थोड़ा सा हिस्सा मैं भी ले रहा हूं। मैं जाट होने के नाते आपसे कुछ दिलेराना बात करना चाहता हूं। मैं गांव का रहने वाला हूं, हम लोगों ने जुकाम के लिए भी कभी दवाई नहीं ली थी, बुखार के लिए भी कम दवाई लेते थे। यहां शहर की जिंदगी में कहते हैं कि टेंशन बहुत होती जाती है, हमारे स्पोर्ट बॉयज भी कह रहे थे साहब अगर टेंशन मत लीजिए। ये टेंशन का मतलब मुझे यहां आके पता चला, ब्लड प्रेशर क्या होता है मुंबई में आके पता चला। आज मैं आपसे इस मौके पे उन ड्रग्स के बाद में बोलूंगा, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि लेट्स स्टॉप गोइंग टू एनी डॉक्टर। किसी बुखार के लिए किसी बीमारी के डॉक्टर के पास मत जाइए, अपना इलाज खुद कीजिए, अपने आप को सेहतमंद बनाइए। चाहे कुछ भी हो, अगर आप 5 बजे उठ सकते हैं सुबह, जो मेरे दोनों बेटे कर रहे हैं, जो मेरा बाप 90 साल की उम्र में आज भी 5 बजे उठते हैं, अगर मैं नहीं उठता तो मुझे उठी कुमार को उठा देते हैं, उठिए सुबह हो गई बाहर जाइए। अगर इस तरह की जिंदगी हम जी सकते हैं तो ये ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, हम छोटी छोटी ड्रग्स से भी छुटकारा पा सकते हैं। मेरी दुआ है मेरे भाई बहन इतने खूबसूरत इतने जवान नजर आए, जब मैं सड़कों पर जाऊं उनके चेहरे पे जलाल हो खूबसूरती हो, जब वो चले तो मैं कहूं कि वाह
ये हमारे हिंदुस्तानी हैं। बाहर के मुल्कों में जब भी हम खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं, जब हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन कोई भी छोटा मोटा तकमा भी जीतते हैं, तब भी दिल खुश होता है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा, ये ड्रग्स वाकई हमारे अंदर के लोग पैसा कमाने के लिए बच्चों को जाना शुरू करते हैं, कहां से कहां तक ये बात पहुंच रही है। तो हम फिल्म में बहुत कुछ बताते हैं, ये उससे भी ज्यादा भयानक हो चुकी है ये बात। आप जब घर से बच्चों को बाहर भेजें, स्कूल में जब वो जाएं, उसे कहिए कि कभी ऐसी चीज मत खाएं। हर बच्चे के अंदर मुझे मेरा अपना बेटा अपनी बेटी नजर आती है। आप सबसे इल्तिजा है, माँ बाप ही है जो इन्हें संभाल सकते हैं, ना कोई नेता, ना कोई पुलिस ऑफिसर, ना कोई प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को नहीं संभाल सकते जब तक हम खुद अपने आप को नहीं संभालेंगे। कोई हमें नहीं संभालेगा। मैंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था अपना मेरा गांव मेरा देश। गांव छोड़िए, अपनी गली को देश बोलिए आज। अगर मेरी गली देश है तो देश बहुत बहुत उन्नति कर सकता है। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, मैं इसलिए इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि आज पिछले दो तीन दिनों से जो कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है। हम लोग दवाइयों के बारे में, ड्रग्स के बारे में बोले यहां आए हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे सोचिए। ऐसे दौर से गुजर रहे हो, कोई भी आदमी ड्रग्स भी लेगा कुछ भी लेगा। मैं आपके भाषण को लंबा नहीं करूंगा, बस आपसे इल्तिजा करूंगा कि इस भाई से अगर प्यार है जो 30-35 साल से आपको हंसाता नचाता कुछ भी करता आया है, कटालक बोलता है, उस विनती करते हाथ जोड़कर आपके सामने कि मेरी इतनी इल्तिजा को मानिए कि अपने बच्चों को संभालिएगा। जिन्होंने इतनी जबरदस्त बात इतने प्यारे अंदाज में कही जो हर दिल और दिमाग में घुस के बैठ सकती है, और वाकई जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए इन चीजों से दूर रहना और दूर रखना सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। और अब मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ अपने और आपके प्यारे शौर्य बॉम्बे से यानी नाना साहब से गुजारिश करूंगी कि वो पूछते हैं। Thank you for few claps. All. That is just to say, that is just to prove that you are not on drugs. I was very impressed by what Dharmendra ji spoke, and all of us who are present here is an indication that we really want Bombay City to become drug-free city, and that's why we work together. Tabassum ji, whom I've known her for a long time, tremendous person, and I am so glad that she is also involved in it. When this program was organized and an organizer came that they are also starting an organization to fight drugs, I said you're most welcome and I'll be happy to associate with you, because I have started an organization called Forum Against Drugs. Now this Forum Against Drugs, all the agencies which are doing, like Father Ferreira or Yusuf or anybody who is doing this work, we have got them all together and we are trying to fight drugs as best as we can. One of the most important things about this drug thing is that let us have drug awareness and prevention program. I think the way Dharmendra ji was saying was so true. It is the parents who have to guide their children. They must not think that having produced children and having given them an education, their duty is over. Biggest problem is most of them have psychological problems. So I would suggest that the parents and the children should have a rapport so that this thing never happens. When he was speaking, I almost felt that I really think a time has come when in this country all film stars should go into politics and all politicians should go into films. Only thing is, if all politicians went into films, we'll only have villains in the films. I do not know where we'll have a hero. But anyway, the message is, let's all Bombayites
make a resolution amongst ourselves, and with all the film personalities supporting us, because I think they can carry the message much better than what Dr. Benali or myself or Rahul Su can do it. Rahul Su is a police officer who has been now assigned, who started a separate narcotic cell, and he is doing an outstanding job. Anybody has any complaint or any information, without keeping it secret, without anybody knowing, he will be willing to take action. So I would say, let's make a resolution among ourselves that Bombay in next 5 years will become a drug-free city. Thank you. आपसे मुखातिब हुए और आप लोगों से शुक्रिया के साथ विनती करते हूँ कि आप तशरीफ रखें सामने और चंगी से मैं विनती करूँगी कि वो एक मिनट के लिए यहाँ आए और जैसा कि अभी हमारे नाना साहब ने धर्मेंद्र जी ने जो कुछ कहा दवाइयों के मुतालिक ये एक सीनियर जनरेशन के लोग थे सुलझे हुए दिमाग अब एक नौजवान दिमाग इस ड्रग के बारे में क्या सोचता है और क्या कहना चाहता है इसी का इजहार करेंगे आपके फेवरेट और हमारे फेवरेट हीरो चंकी पांडे आई एम द यंगेस्ट आउट हियर आई डोंट नो व्हाट टू से एक चीज कह सकता हूं कि तबस्सुम जी मैं मेरे हिसाब से तो नशा बहुत ही नेसेसरी चीज होती है लाइफ में लेकिन किस किस्म का नशा सिगरेट नहीं दारू नहीं काम का नशा मेहनत का नशा मोहब्बत का नशा सो ऑल आई कैन से इज प्लीज नो ड्रग्स बिकॉज यू आर डेड इफ यू हैव ड्रग्स थैंक यू जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी खुशकिस्मती है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर यहाँ पे मौजूद हैं मैं जब मेहरू बेंगौली से विनती करूंगी कि वो I must apologize, I will not be able to wait, and so I have requested that I will be able to share with you a few words. At the outset, I must congratulate this organization for such a wonderful program that they have planned, and they have been able to collect all the media people. Because if at all the message has to be sent out to every nook and corner of our city, I think it's only the media people who can do it. At the university and most of our college campuses, I'm sure you're aware of the problems that we are facing and how we are trying to eradicate that. We are doing our very best. We have our anti-drug cell and we are trying to see that we are able to take away this menace from the city. But rightly, as Dharmendra Ji as well as R. Sharif has mentioned, that it is a problem which has to be handled at all levels by all people at home, in our educational institutions, and even on the streets. And therefore, your share of the help that you can give is much more important than we can do in authority here. With these few words, I really thank the organization for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much. कि अपनी जिंदगी का भरपूर तजर्बा आप निचोड़ के हमारे दर्शकों के सामने डिश में रखते हुए सर्व करें रीटा जी भी आ गई हैं जरा जोरदार तालियां बजाएं रीटा जी के लिए हंगर साहब आपसे मुखातिब शुक्रिया तबस्सुम जी आज ड्रग की बात हो रही है तो ड्रग का नशा मत करो भाई एक नशा तो हम भी करते हैं वो है मोहब्बत का नशा और वो मोहब्बत करते हैं हमें बहुत अरसे से ये ड्रग चालू है मैं बड़ा बदमानी है क्योंकि मैं इनके काम को सराहता हूँ बहुत प्यार करता हूँ मैंने आज तक ऐसी आर्टिस्ट पर नहीं देखी जो इस तरह से कंपेयर करे और इस तरह से प्रेजेंट करे आर्टिस्ट को या किसी भी आइटम को इसलिए मैं इनसे प्यार करता हूँ कोई गलतफहमी तो दूर होगी सर
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें आज दावत दी है यहाँ की, और जो कुछ अभी कहा गया है ड्रग्स के मुतालिक मैं सहमत हूँ सबसे, और बहुत बुरी चीज़ है जो आजकल ये बीमारी चली है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में। पर हमारा फ़र्ज है कि हम ध्यान दें अपने बच्चों की तरफ, स्कूल जाके क्या करते हैं, कॉलेज जाके क्या करते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, वो ज़रा उस पर निगाह रखें, और साथ ही साथ अपने घर का माहौल भी ठीक करें जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि अपने आप गम गलत करें किसी भी तरीके से। बस मुझे और कोई नहीं कुछ नहीं कहना, शुक्रिया आप सबका और आपका भी। थोड़ा देखिए, हम अपने सहयोग के जनरल सेक्रेटरी श्री वाजपेयी साहब से विनती करेंगे कि वो आपको फूलों का गुलदस्ता दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ रीटा जी दो शब्द आप भी कहिए। दोस्तों, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप सहयोग के साथ सहयोग दें और इस नेक काम में साथ दें जैसे हम भी दे रहे हैं। शुक्रिया। इस शुक्रिया वाजपेयी साहब आप फूल पेश कीजिए रीटा जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई और बहनों, साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम तालियां बजाएंगे। और फिर अगर एक हाथ रखना है तो मैं चाहूंगी कि यहाँ जो लड़कियां हैं वो दोनों हाथ से अपना दिल थाम लें, इसलिए कि आप जिस जबरदस्त चमक को हम आपके सामने स्टेज पे पेश कर रहे हैं, ये वो नौजवान है जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि जिस तरह से हमारे दिलीप साहब ने, राजेश खन्ना साहब ने, अमिताभ बच्चन साहब ने अलग अलग अपने अपने वक्त पे लोगों के दिलों पे राज किया है, आज नौजवानों के दिल को छापा मार के झंझोड़ के अपनी मुट्ठियों में रखने वाला आ रहा है गोविंदा। फिल्मों में देखते हैं, इसे चाहते हैं, इसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं इसे उस वक्त से जानती हूँ जब ये नन्हा सा मेरी गोद में खेला। प्यारा प्यारा था और आज जितना बच्चा ये प्यारा था उतना ही नौजवान हो गए प्यारा नौजवान है। और ये जो कुछ भी कहने वाला है उसे गौर से सुनिए, अहमियत दे के सुनिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ड्रग्स के अगेंस्ट में ये प्रोग्राम है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग को मौका मिला फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग हर अच्छे काल में हमेशा आपकी सेवा में यहाँ आते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। सेहत जीवन का सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है, मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे वो श्लोक सुनाती है। जिंदगी के पांच या छह तरह के जो सुख है उनमें सर्वप्रथम सुख होता है सेहत। वो श्लोक कुछ ऐसा है कि पहला सुख निर्मल काया, यानी कि स्वस्थ शरीर, पहला सुख निर्मल काया, दूजा सुख थोड़ी माया, तीजा सुख चरित्रवान नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख जो सुने सुहाय, और छठवा जो संत को पाए। ये छह सुख है। तो हमारे धर्म में भी सर्वप्रथम सुख जो इंसान का है वो उसका स्वास्थ्य। शरीर अच्छा है तो धर्म है, शरीर अच्छा है तो कर्म है। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं यहाँ पे और मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, आप लोगों की इज़्ज़त लूँगा। आप लोगों ने मुझे जो इज्जत दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रविंद्र, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ इस बात का कि बुजुर्ग कहते हुए तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। और अब हम चाहेंगे कि बहते हुए फूल तुम्हारी खिदमत में पेश करें हमारे जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं वाजपेयी साहब। जरा जोरदार तालियां भाई और बहनों गोविंदा के लिए। गोविंदा अगर अपनी शूटिंग छोड़ के ना आए होते, जल्दी में ना होते और बंबई की ट्रैफिक का अंदाजा हमें ना होता तो हम इन्हें यहाँ रोकते और इनसे डांस करवाते और फिर जाने देते। बाहर हाथ एक क्लाइम की हमारी ऑडियंस को दे दो और चले जाओ।
एक बच्चों के लिए हमेशा मैं लाइन गाता हूँ और जब तक आगे जिंदगी रहेगी मैं गाता रहूँगा क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे फेवरेट लाइन है, मैं वो हमेशा गाता हूँ। माँ बाप के लिए जैसे मैंने ये सुख बताया, शायद इसमें यही एक कमी थी जो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। ये लाइन बच्चे लोग गौर से सुन, बच्चों के लिए खाता हूँ। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वाला